गाइस रियलमी की तरफ से रियलमी 8 को लॉन्च कर दिया गया है और रियलमी 8 प्रो को लॉन्च कर दिया गया है। दोनों ही डिवाइस कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में बेकार सी हैं और कुछ मामलों में ओवर प्राइस्ड हैं, बट रियलमी 8 काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। ये 4+128 GB का जो वेरिएंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है 14999 का, जहाँ पर हमें पूरे 15,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बट इसी प्राइस में हमें पोको X3 देखने के लिए मिलता है जो 6+128 हमें 15,500 रुपये का और 6+64 हमें 14,500 रुपये का देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल लगभग आसपास के ही प्राइस रेंज पर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं इन्होंने कंपैरिजन की, कौन सा फ़ोन बेस्ट है, कौन सा बेकार है और किस में आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और आप किस फ़ोन की तरफ टारगेट करना चाहते हैं अगर आप ये पर्पज़ के लिए फ़ोन बाय कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इनकी डिस्प्ले की और डिज़ाइन की। पहले बात कर लेते हैं, डिज़ाइन दोनों का अलग अलग है, आप किसी को कुछ अच्छा लगेगा और किसी को कुछ अच्छा लगेगा, बट मेन चीज़ जो है कि दोनों में ही आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिली है, किसी में भी आपको ग्लास वगैरह नहीं मिला है। बट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाती है पोको X3 की डिस्प्ले पर और 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की IPS HD डिस्प्ले है। HDR10 का भी इसमें हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड नहीं मिली है, बट रियलमी 8 में हमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट वहाँ पर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और पीक ब्राइटनेस भी 1000 nits तक पहुँच जाती है। 6.4 इंच का साइज़ है और ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंचोल देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल पंचोल। तो पर्सनली मुझे जो सेंटर पंचोल है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और 120 हर्ट्ज और इधर सुपर एमोलेड, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा लेना है, बट HDR10 का सपोर्ट है। ये एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम कह सकते हैं कि मिल जाता है यहाँ पर पोको X3 को, बट वहाँ पर हमें रियलमी 8 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है सुपर एमोलेड की तरफ से। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि कुछ मामलों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले बेटर है और कुछ मामलों में पोको X3 डिस्प्ले बेटर है। दोनों की डिस्प्ले हमको यहां पर टाई ही कर सकते हैं क्योंकि एक में आपको 120 हर्ट्ज और साथ में HDR10 मिल रहा है और दूसरे में आपको 60 हर्ट्ज ही मिल रहा है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है और सुपर एमोलेड मिल रहा है। बट रियलमी 8 में किसी भी तरीके की जो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह है उसके बारे में बात नहीं की गई है और ना ही कंपनी ने क्लियरली लिखा है, बट हाँ प्रोटेक्शन है इसके ऊपर ये तो मेंशन है। वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, 225 ग्राम का है पोको X3 और 177 ग्राम का केवल रियलमी 8 है। तो अगर आपको लाइट वेट फ़ोन पसंद है, छोटी डिस्प्ले वाले फ़ोन पसंद है, तो रियलमी 8 हल्का सा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता जा रहा है। बट अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए और थोड़ा सा 120 हर्ट्ज़ वगैरह चाहिए, HDR10 वगैरह पर आप डाटा अपना जो भी कंटेंट है वो कंज्यूम करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए पोको X3 एक अच्छी डिवाइस बनता जा रहा है। अभी तक तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर बैटल चल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 732G काफी अच्छा प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और इसके अंदर में कॉर्टेक्स A76 की कोर्स मिलती हैं, 2 कोर्स 2.3 GHz तक क्लॉक है, बाकी 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की हैं वो 1.8 GHz तक क्लॉक हैं। और दूसरी तरफ हमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95 जो कि रियलमी 8 में देखने के लिए मिलता है, 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, फैब्रिकेशन प्रोसेस में भाई बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी 12 नैनोमीटर अभी भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। रियलमी 8 में बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम हुई और फ़ोन आपका हीट भी ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू पोको X3। यहाँ पर भी कॉर्टेक्स A76 कोर्स मिलती हैं जो 2.05 GHz तक क्लॉक होती हैं, 2 कोर्स बाकी जो 6 कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 2 GHz तक क्लॉक हैं। और ओवरऑल हम गेमिंग की बात करते हैं तो G95 में हमें देखने के लिए मिलता है मालिका G76 MC4 GPU और पोको X3 में देखने के लिए मिलता है Adreno 618। परफॉर्मेंस की बात कर, दोनों आसपास ही हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक बेटर स्टेबिलिटी और कम हीटिंग और बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगी पोको X3 में। बट रियलमी 8 भी पीछे नहीं है, वो भी काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, बट हीटिंग इशूज़ वगैरह में थोड़ा सा पीछे रह जाता है और थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंसी में, बाकी परफॉर्मेंस लगभग आपको बराबर ही देखने के लिए मिलने वाली है दोनों ही फोन्स में। पोको X3 एंड्रॉइड 10 पर लॉन्च हुआ था और MIUI 12 इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आया था, बट जो रियलमी 8 है वो एंड्रॉइड 11 पर आया है, तो एक एंड्रॉइड अपडेट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो अपडेट्स के मामले में एंड्रॉइड की यहाँ पर रियलमी 8 एक बाजी मार लेता है और रियलमी का UI इसके अंदर में देखने के लिए मिलता है 2.0। हाइब्रिड सिम स्लॉट पोको X3 में देखने के लिए मिलता है, जबकि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड हमें देखने के लिए मिलता है रियलमी 8 में। तो अगर आपको मेमोरी एक्सपेंड करनी है, मेमोरी कार्ड लगाना है, तो आप दोनों में लगा पाओगे, बट एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाओगे पोको X3 में और डुअल सिम के साथ में मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर पाओगे रियलमी 8 के अंदर।
अब बात करते हैं कैमरा की। तो पोको एक्स के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। 13 मेगापिक्सल काफ़ी कम कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है अंडर 20,000, और साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ और मैक्रो देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ अगर बात करते हैं रियलमी 8 की, तो वहाँ पर भी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है बट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सी मात खा जाता है यहाँ पर, और 2 और 2 मेगापिक्सल के वही डेप्थ और मैक्रो देखने के लिए मिल जाते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमें सोनी का सेंसर मिलता है पोको X3 में, बट वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है सैमसंग का सेंसर। तो हम तो जानते ही हैं कि सैमसंग के सेंसर से जो सोनी का सेंसर है वो बैटर परफॉर्म करता है, और ISP भी स्नैपड्रैगन की बैटर होती है G95 के कंपैरिजन में, यानी कि मीडियाटेक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको बैटर कैमरा रिजल्ट्स G95 से अच्छे 732G में देखने के लिए मिलेंगे, और बैटर पिक्चर्स एंड बैटर वीडियोस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं पोको X3 के अंदर। दोनों से ही आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS, और दोनों में ही फुल HD वीडियो पे EIS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं सेल्फी की, तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलता है पोको X3 में, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर रियलमी 8 में। दोनों से ही आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो दोनों में ही काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं कैमरा के मामले में। तो ये बेसिकली दोनों ही कैमरा रिज मोबाइल हैं, आपको दोनों ही कैमरा के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बट पोको X3 हल्की सी एज ले आता है और बैटरी परफॉर्म आपको थोड़ा सा कैमरा में प्रोवाइड करता है। पोको X3 के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो रियलमी 8 में बिल्कुल भी नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ जो है वो है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, जहाँ पर आपको ऑडियो और एंटरटेनमेंट का आपको जो मजा है वो दोगुना हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है IR ब्लास्टर, जहाँ अपने फ़ोन को IR ब्लास्टर की मदद से कहीं भी रिमोट बना पाएंगे, AC, TV, फ्रिज वगैरह सबका। तो ये आपके लिए एक बेटर थिंग हो जाती है पोको X3 को बाय करते वक्त, ये एक एडवांटेज आपको मिल रहा है। पोको X3 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि रियलमी 8 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है सुपर एमोलेड होने की वजह से। तो थोड़ा सा यूनिक लगता है और थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है अगर आप कहीं भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करते हैं, तो एक अच्छा सा लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि अनलॉक सिस्टम में यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बाजी मार जाता है, जाहिर सी बात है। बैटरी कॉम्बिनेशन 6000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का चार्जर है पोको X3 में, और 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस है। तो भाई बैटरी तो आपकी गजब चलने वाली है, 6000 mAh ऊपर से 8 नैनोमीटर, यानी कि बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। तो बैटरी आप कम से कम 2 दिन तक आराम से यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम एक लाइट वेट पर। अगर आप हैवी यूज़ भी करते हैं तब भी आपका पूरा दिन कंप्लीट चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ करने के बाद भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियलमी 8 की, तो 5000 mAh की बैटरी है, 30 वाट का चार्जर है, तो चार्जर स्पीड तो ठीक ठाक है, बट 5000 mAh बैटरी ऊपर से 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है मार्केट के हिसाब से, लेकिन पोको X3 के सामने फीकी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस भी कम है और बैटरी भी ज़्यादा है। यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस भी ज़्यादा है और बैटरी भी कम है, तो बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पर पोको X3 में 80 है रियलमी 8 के कंपैरिजन में। तो ये थे हमारे ओपिनियन। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि कुछ मामलों में पोको X3 काफ़ी बेटर है, लाइक कैमरा और अल्ट्रा वाइड दोनों में ही बैटरी निकल करके आता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IR ब्लास्टर है, और साथ में हमें जो IP53 की रेटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा डस्ट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन भी हमें पोको X3 में देखने के लिए मिलता है, साथ में 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने के लिए मिलती है, और थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी 33 वाट की देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं पोको X3 को बाय करने के, और प्राइस भी लगभग आसपास ही है, थोड़ा सा 500 रुपये कम भी देखने के लिए मिल जाता है स्टार्टिंग वाले वेरियंट में, जहाँ पर 6GB और 64GB मिलता है 14500 का। अगर हम बात करते हैं रियलमी 8 की, तो वहाँ पर बाय करने के लिए आपके पास केवल एक ही रीजन है, वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी वजह से वहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सब में यहाँ पर रियलमी 8 पिछड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है पोको X3 से, और प्राइस भी 4GB प्लस 128GB का आपको 15000 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है। बाकी मेरे ख्याल से तो पोको X3 यहाँ पर क्लियर विनर निकल करके आ जाता है। बाकी यहाँ पता नहीं कमेंट बॉक्स में आपके क्या है ओपिनियन इन दोनों फोन के बारे में, और किस फोन को आप बाय करना पसंद करोगे। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।